डॉक्टर हेमंत, आपसे एक बात बहुत स्पेसिफिकली जाननी है, क्योंकि आज जब से ये खबर आई है बहुत सारे लोग बड़ी चिंता में हैं। लैंसेट में ये कहा गया कि ये एयरबॉर्न है, मतलब ये हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है। पहले जो हमारी समझ थी इसके बारे में और आज लैंसेट ने जो कहा है, क्या फर्क आया है इसमें? अभी पिछले साल में जब 2020 में हमने जब देखा कि ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, हमने काफ़ी सबको सिखाने की काफ़ी कोशिश की है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, एयरबोन होता है। और तभी पिछले साल में ऐसे भी देखा गया है कि सरफेस से भी वो संक्रमण हो सकता है, लेकिन लैंसेट के पब्लिकेशन के बाद काफ़ी लोगों में एक प्रकार की घबराहट निर्माण हो गई है। ये अगर एयरबोन इन्फेक्शन है तो हमें पहले भी ज़्यादा होना चाहिए, इस बार भी होना चाहिए, लेकिन इस बार ऐसे पता चला है कि ये वेरिएंट्स भी काफ़ी हो गए हैं वायरस के एक साल में। और काफ़ी तरह से ऐसे देखा गया कि एयरबोन इन्फेक्शन नए वेरिएंट को ज़्यादा ट्रांसमिसिबल करते हैं, और ये ड्रॉपलेट की साइज़ अगर छोटी है या बड़ी है मात्रा में या मीडियम साइज़ के, उससे कुछ देखना नहीं है। अगर छोटी साइज़ वाली मात्रा में भी अगर ये ड्रॉपलेट अगर नज़दीक के किसी मरीज के पास जाती है तो उसे संक्रमण होना अनिवार्य होता है। अभी ये छोटी जगह में क्यों संक्रमण होता है? क्योंकि काफ़ी एरेटेड यानी हवा बंद अगर कोई कमरा हो तो वहाँ संक्रमण होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। और अगर आपको अगर कोई भी हॉल हो या क्लासरूम हो या थिएटर हो, अगर वो खुली हवा में होता है तो संक्रमण की प्रक्रिया काफ़ी कम हो जाती है। बहुत अहम इम्पॉर्टेंट बात डॉक्टर हेमंत ने बताई है। सरल शब्दों में एक बार फिर आप सबके लिए दोहरा देता हूँ कि है तो ये संक्रामक और हवा से फैलने वाली बीमारी, लेकिन हवा का मतलब ये नहीं कि जहाँ पर भी हवा है वहाँ ये बीमारी है। जहाँ कोई इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति है और अगर वो खांसता छींकता है तो एरोसॉल बनता है, मतलब समझ लीजिए मुँह से निकली हुई एक भाप जिसमें हवा भी है, नमी भी है और वो वायरस भी है। वो कुछ दूर तक ट्रैवल कर सकता है, कम से कम 6 फुट तक तो वो ट्रैवल कर ही सकता है। और अगर हवा नहीं है वहाँ, एरेटेड नहीं है, वेंटिलेटेड नहीं है वो जगह, तो वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर रह सकता है एरोसॉल, और वहाँ से गुजरने वाले किसी व्यक्ति को जिसने सांस ली वहाँ पर, उस जगह पर उस एयर से सांस ली, उसको वो संक्रमण हो सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।